एंट्री कर ली है गार्डन गलेरिया में, जो है सेक्टर 18 नोएडा, और ये वाली लाइन थी टू व्हीलर्स के लिए और इसके जस्ट ऑपोजिट में थी फोर व्हीलर्स के लिए। और गार्डन गलेरिया में जैसे ही आप एंट्री करेंगे वैसे ही लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एरो रेस्ट्रो नाम की फ्लाइट है जहाँ पे आज हम लंच करेंगे और जिसको मैं एक्सप्लोर करूँगी। ये देखिए इस टाइप के वो बैनर्स लगे होंगे, वो देखिए वो रही फ्लाइट हमारी। चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए ये पूरा गार्डन गलेरिया है, यहाँ पे मॉल्स भी हैं, वाओ भी इसी के अंडर आता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि टिकट का क्या सीन है और कैसे टिकट लेनी है, कितने की टिकट है, वो सब देखते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस थोड़ा आगे चलते ही लेफ्ट साइड में हमको देख जाएगा, ये देखिए एरो रेस्ट्रो ये बोर्ड लगा हुआ है और यहीं से एंट्री है और ये सामने बोर्डिंग पास है, यहीं से हम लोग फटाफट से टिकट लेंगे, यहीं से बोर्डिंग पासेस। $250 ईच है ना? ऑनलाइन पेमेंट फोन पे से होगी? आई डोंट हैव फोन पे। और वो भी पूछो तीन एक और। अच्छा तुमने ले लिया, बताती भी नहीं हो तुम। ठीक है भैया तो गाइस हम लोगों ने एंट्री कर ली है और एंट्रेंस पे इतना सुंदर डेकोरेशन था, क्रिसमस था आज क्योंकि तो बहुत सुंदर लग रहा था, क्रिसमस ट्री और वेलकम लिखा हुआ था, बहुत अच्छा फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अंदर जाने के लिए। पता नहीं कैसी फ्लाइट होगी, बाहर से तो देखने में एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल की तरह सेटअप बना रखा है, प्रॉपर यू नो रनवे टाइप। सो गाइस आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि पर हेड यहाँ पे ₹250 टिकट है और आपको बोर्डिंग पास बाहर से मिल जाएगा आपको, या फिर आप कैश कर दे सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। ₹250 ईच पर्सन टिकट है, बाहर से ही बोर्डिंग पास आपको मिल जाएगा और आई थिंक अंदर जाकर भी बोर्डिंग पास आपको दिखाना पड़ेगा। और ये हम लोग अंदर ही जा रहे हैं, एंट्रेंस वहाँ पे है, वो एलिफेंट देख रहे हो आप लोग, वहाँ से एलिफेंट बोल रही हूँ, वहाँ से एंट्रेंस है और ये बच्चों के लिए भी अच्छा खासा सेटअप है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे आप लोग बर्थडे पार्टीज, बर्थडे सेलिब्रेशंस या फिर मीटअप विद फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी रख सकते हो। और ये देखिए पूरा एरिया कितना सुंदर है, आई एम सो एक्साइटेड लिटरली गाइस। जैसे ही मैंने एंट्रेंस किया, मतलब यहाँ पे एंटर किया, तो मुझे लिटरली असली रियल वाली फ्लाइट वाला फीलिंग आ रही थी और ये हल्का हल्का हिल भी रहा था लिटरली, जैसे फ़्लाइट में अगर आप लोग ने सफ़र तय ज़रूर किया होगा तो वहाँ पे जैसा थोड़ी सी हिलती है ना फ्लाइट, वैसे ही प्रॉपर फील आ रहा था। तभी देखिए कैमरा थोड़ा इधर उधर हो रहा था क्योंकि बहुत हिल रही थी, बट पता नहीं कैसे क्या अलग ही सिस्टम बना रखा था। और ये देखिए ये है एंट्रेंस एंड दिस इज़ दी लाइक वाओ वाली फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए वहाँ से हम लोग आए और ये देखिए रियल एकदम प्रॉपर सेटअप कर रखा है और हम लोग अंदर जा रहे हैं। कशिश बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए डांस कर रही थी। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसा होगा, मतलब क्या फीलिंग होगी, कैसा डेकोरेट किया होगा। बाहर से तो देखने में लिटरली बहुत सुंदर लग रहा है एंड आई एम श्योर रात में अगर आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए ये एंट्रेंस है एंड लिटरली रियल फ्लाइट अंदर बना रखी है और ये हमें क्रॉस करते हुए गई हैं पता नहीं कहाँ। वाओ मतलब ये देखिए अंदर से लुक इस टाइप का, हम लोग वहाँ से आए, देखिए वहाँ से आए थे हम लोग और ये रही पूरी फ्लाइट का व्यू, आप लोग एंजॉय कीजिए। गाइज जैसे रियलिटी में एयर होस्टेस फूड सर्व करती हैं वैसे ही इस फ्लाइट में भी एयर होस्टेस ही वेल ड्रेस्ड अप होकर फूड सर्व कर रही थी हम लोगों को। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी। और आप कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता देती हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ उस फ्लाइट के बारे में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर आने के लिए तो आप लोग ज़रूर आइए। 250 पर हेड टिकट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। टिकट बाहर आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, बोर्डिंग पास लाकर आपको फ्लाइट के अंदर आपको दिखाना है यहाँ के एयर होस्टेस या फिर मैनेजर को। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि उसी टिकट में से कुछ सर्टेन अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा, आप कुछ भी उसमें से मील ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मंगाना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग तीन लोग थे तो हमारा टोटल जो टिकट था वो 750 हुआ, जिसमें से 450 तक का हम लोग कुछ भी मील ऑर्डर कर सकते थे जो कि हमारा टिकट प्राइस से ही माइनस हो गया था। और उससे ऊपर हमने जो मंगाया वो हम लोगों को अपने ही पॉकेट से पे करना पड़ा। सो दिस वॉज द बेस्ट पार्ट।
अब मैं आपको अंदर ले चलती हूँ जहाँ पर आप एक पायलट वाला फील ले सकते हैं, जैसा कि हमारी फ्रेंड कशिश ले रही हैं, वो प्रॉपर पायलट वाला फील ले रही हैं। यहाँ पे प्रॉपर वो सेटअप बनाया गया है, आप लोग यहाँ पर बैठकर पिक्चर्स क्लिक करवाइए और एक दिन के लिए, अ डे या फिर कुछ कुछ टाइम के लिए ही सही, बट पायलट वाला फील ज़रूर आता आ रहा था इस चेयर पर बैठ कर। हम हिंदुस्तानी हैं, स्टार्टिंग कुछ काम करने से पहले जय माता की कहते हैं। कैप्टन साहब, ओके लेट्स गो, अरे भारत माता की जय, चलो ओके। अरे लल्लू पागल, कितनी क्यूट लग रही है, बोलते भारत माता की जय। अभी हम लोग हैं एरो रेस्टो में और ये फ्लाइट है, फ्लाइट में ही रेस्टोरेंट है इसलिए इसका नाम है। यार स्टॉप मेकिंग सच नॉइज, कौन किसके मैं बोल रही हूँ, देखो कैप्टन आकांक्षा, कैप्टन आकांक्षा, कैन वी कॉल ट्रांसफर टू कैप्टन? नो नो आकांक्षा, कैप्टन इज बिजी, हो गया तो इतनी फोटो लेना था। सो गाइज, ये एरो रेस्टो है, एरो मीन्स एरोप्लेन एंड रेस्ट्रो मीन्स रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे आप लोग को मैंने दिखाया कि कैसे प्रॉपर रेस्टोरेंट है और प्रॉपर फ्लाइट, रियल फ्लाइट में बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं यार ये लोग। नहीं पहनना, देखिए गाइज पीछे पूरा प्रॉपर लोग लंच कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत क्लासी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप आना चाहें फैमिली के साथ तो जरूर आए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी आए, चुप नहीं रह सकते हो क्या? तो मतलब ऐसी पहली पायलट, ये एक ऐसी पहली पायलट है जो पैर उधर रख के करती है, प्लेन उड़ाती है। मैम मैम मैम, आपको इन्फॉर्म किया जाता है अभी क्या कैप्टन आकांक्षा की जो एयरप्लेन है वो हाईजैक हो गया है। हेलो 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 मैम, हेलो मैम, चू जा रहा है। So guys, ये है बाहर से लुक एरो रेस्ट्रो का। Somebody else and that is you. Ooh, ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more darkness.